गाइस और ये गाड़ी साफ, एक कर रहे हैं पापा और एक कर रहे हैं वो ड्राइवर वाले भैया। एक गाड़ी उनको दे रखी है और एक गाड़ी पापा चला रहे हैं। ये ड्राइवर भैया यहीं रुक जा, ये ड्राइवर भैया यहीं रहते हैं हमारे घर के नीचे, तो ये गाड़ी इनको दे रखी है। अर्जेंट काम आता है तो इन्हीं को हम फटाफट भेज देते हैं। जब पापा ये वाली गाड़ी पे बुकिंग में गए हुए होते हैं तो पापा वाली गाड़ी, ये भैया ये वाली गाड़ी लेके जाते हैं ट्रिपर। ये वाली है हमारी ट्रिपर और ये वाली है हमारी डिज़ायर। सो हमारा गाड़ियों का काम है, बहुत जल्द फुल व्लॉग आने वाला है और ऐसे चमका के रखते हैं हम अपनी गाड़ियों को। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस सारे मेहमान जा चुके हैं, भेज रहा। और आज घर के काम वाम निपटा रही हूँ। होली वाले कपड़े पड़े धोने को, वो धोए जा रहे हैं, मशीन लगा रखी है। इधर ही जा रहे हैं बुकिंग पे, तो बापू जा रहे हैं बुकिंग पे और इधर हम लोग काम निपटा रहे हैं घर का। कपड़े वपड़े धोएंगे होली के। खिलाओ मिट्टी जी भाई साहब। और इधर पापा जी जा रहे हैं बुकिंग पे। गुड मॉर्निंग सर। दोनों गाड़ी जा रही है हमारी, छोटी बड़ी दोनों। और बस का चार्ज बताया था मैंने, मैंने लगा रखी है मशीन। वो भाई का नंबर दे रखा मैंने आपको। एक मिनट गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा फिर। नहीं वो अभी मेरे से बात कर रहे थे, आप अम्मी ला लो अब। हां इधर को भैया नानू बुकिंग में जा रहे हैं, तो दीदा जी देते हैं बोल दो बड़ी दे तो बड़ी 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 दादा। ओ भाई मेरे घर में एक ब्लॉगर रहते हैं। हेलो मैंने कहा है नानू बड़ी गाड़ी ले जाओ, नानू छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं, सिद्धार्थ की गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं। दोनों जा रही है बेटा, एक रोहतक जा रही है और एक देहरादून जा रही है एयरपोर्ट बुकिंग से। तोता मेरा तोता है, ये मेरा तोता पटर 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 बोलता है ना। यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, ये होली वाले कपड़े हैं, बाकी अदरवाइज कपड़े यहाँ धुल रहे हैं और वो धुले हुए हैं ड्रायर करने में। यहाँ ड्रायर हो रहे हैं कपड़े ये हैं, बाकी उधर मैं डाल के आ गई हूँ। त्योहारों के बाद क्या होता है ना, काम बहुत फैल जाता है। त्योहारों के बाद क्या होता है ना, काम बहुत फैल जाता है घर का। तो सारी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी उधर वाले रूम की, इधर वाले रूम की, और साफ़ सफाई करी घर की पूरी सबके जाने के बाद अच्छे से। तो रह गए थे मेरे कपड़े, तो हमने कहा कपड़े भी धो लेते हैं, तो कपड़े रह गए थे धोने को। फिर इसलिए मैंने कहा कपड़े भी निपटा ही दूँ, जो निपट जाएगा निपट जाएगा। फिर सिद्धार्थ का न्यू सेशन का बुक्स वगैरह लेनी है न्यू सेशन की। सिद्धार्थ गया जूनियर के, जूनियर में था, सीनियर के जी में गया है, तो उसका सिलेबस वगैरह लेना है, तो ये सब है। फिर उसमें बिजी हो जाएंगे, फिर आगे नवरात्र है, नवरात्र की साफ़ सफाई करेंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे, है ना। बहुत काम होते हैं घर के सबके जाने के बाद। नंद का भी मैं फ़ोन आया था, मन नहीं लग रहा उनका भी वहाँ पे। इसमें कपड़े धुल रहे हैं, फटाफट फटाफट धुलते हैं कपड़े। ये साड़ी पहनी थी मैंने, ब्यूटीफुल सी साड़ी, ब्यूटीफुल। सिद्धार्थ ने ये भी तोड़ दिया। गाइस यहाँ कोई मैंने होके रेडी, अभी तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। मैं कैमरा करके दिखाती हूँ, पीछे से सारी की लाइट सी पड़ती है ना। तो ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं सारे, उधर भी डाले हुए हैं, उधर भी दिखा देती हूँ हम आपको। था दूध पी के सो चुका है, मैं कपड़े धो रही थी तो परेशान कर रहा था, तो उसने दूध पिया अपनी पॉट में और ये यहाँ सो गया। कपड़े बेडशीट वगैरह सारे कपड़े इधर सूख रहे हैं, ये पापा के ससुर जी के कपड़े में सिद्धू के कपड़े इधर सूख रहे हैं, क्योंकि इधर ही इनकी अलमीरा वगैरह है दोनों की। बेडशीट कल बिछाई थी, चेंज की थी, बट सिद्धार्थ ने पानी डाल दिया था बेडशीट पे, तो मैंने दोबारा धो दी बेडशीट। अब बिछाऊंगी, ये गर्मी लग रही है
ये सारा कर दिया था मैंने साफ सुथरा। अरे देखो कहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें दिन में अंदर कर देते हैं, अंदर यहाँ पलंग के बैठ के नीचे ठंडक रहती है ना, तो यहाँ घूमते रहते हैं ये। तो ये बिछ गई है चादर और रख दी मैंने पिल्लो वगैरह। साफ सुथरा घर अच्छा लगता है मुझे तो खासकर। तो मेहमानों के जाने के बाद लग गई थी मैं घर की साफ सफाई में, साफ सफाई सब अच्छे से हो गई। अब बस मुझे कर्टन वगैरह धोने हैं, वो जब धोंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी तो हाल फिलहाल तो टाइम है नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तब मैं धोऊंगी। एक तो सिद्धार्थ ना दिन में बैठ के ऑरेंज वगैरह खाया, सोफे की हालत देखो क्या कर देता है। मैं वहाँ कपड़े धो रही थी, यहाँ टीवी देख रहा था। बस पता नहीं क्या आदत पड़ गई, खाना खाते हुए टीवी देखना ही देखना है। मम्मी टीवी खोल दो, टीवी खोल दो। अरे साइकिल भी निकाल के लिए आया अपनी। चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, साइकिल चला लो। बाकी ऐसे मैंने अभी हाल फिलहाल वो म्यूज़िक सिस्टम स्पीकर थे वो हटा दिए हैं। यहाँ दो चेयर रख दी है, कुशन रख दिए हैं, वो वहीं रखे हुए हैं स्पीकर, क्योंकि ऐसा ही है चेयर वो वहाँ ठीक है वो। बाकी मेरा किचन है जो कि साफ़ सुथरा क्लीन पड़ा है, बर्तन वर्तन सिंक में नहीं है। मैं सिंक में बर्तन तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, मुझे ना भरा भरा सिंक बहुत गंदा लगता है। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। यह है कुछ घर इस तरीके से, इस रूम में और ये वाला रूम, ये रखे हुए मैंने स्पीकर हाल फिलहाल, क्योंकि यहीं ज़्यादातर बज रहे थे तो यहीं रख दिया था मैंने, क्योंकि यहीं सब बैठ रहे थे इन्जॉयमेंट यहीं कर रहे थे तो। और ये गद्दे मैंने ऐसे लगा दिए हैं क्योंकि ये फैला फैला लग रहा था, तो मैंने अभी बेडशीट धोने में है, मतलब धुल चुकी है सूख रही है। और ये मैंने ऐसे कर दिया डेकोरेटेड रूम अच्छे से, बस खाली इसमें बेडशीट बिछानी है। ये स्पीकर इधर है क्योंकि गद्दा इधर था तो मैंने इसे उधर रख दिया। सो ये मेरा इधर वाला रूम है हमारा, बैक कैमरा करके दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा रूम है, तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मेरी नंद क्या क्या लेके आई थी। मेरी नंद लेके आई थी सबसे पहले ये सिद्धार्थ के लिए, जो कि सिद्धार्थ पहन चुका है, छोटी होली में मैंने इसे पहना दिया था। हमारे यहाँ छोटी होली के नियम कपड़े पहनते हैं। और ये नेकर था इसके साथ मैचिंग का, ये कलर सिद्धार्थ के पास खा नहीं आई थी देखा पता नहीं। तो ये मेरी नंद लेके आई थी सिद्धार्थ के लिए, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और एक ये मिशकोश लेके आई थी, बिछाया था मैंने लेकिन मैंने कहा उठा दो क्योंकि ना गोली में मैंने कहा सब गंदा कर देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा कवर है मिशकोश, बहुत अच्छा लग रहा था बिछाने के बाद। ये बस वॉशेबल कप वो है मिशकोश, प्लास्टिक होती है प्लास्टिक में वो है खींचने वाली। तो ये लेके आई थी मेरी फ्रेंड, और ये डबल बेड की बेडशीट मंगाई थी, मतलब थान वाली है क्योंकि अंदर वाली बेडशीट ना मैंने यहाँ पता करी तो छोटी मिल रही थी, तो कहा था कि मंगवा देंगे आपको। तो ये मेरी नंद लेके आई है, डबल बेड से भी बड़ी है ये वाली बेडशीट, जिसका प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कॉटन में है। जब बिछाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। इसमें से वो कह रही थी कि तकिया के कवर कटवा लेना,
बैटरी का से, क्योंकि बैटरी बहुत बड़ी है। तो जब मैं आपको ये चादर बिछाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी नेक्स्ट होली के लिए आ गई है होली की एडवांस टी शर्ट। नेक्स्ट होली के लिए तैयारी कर ली थी, ये नहीं। हैप्पी होली, गाली का आवाज में हैप्पी होली रंग बरसे। एक्चुअली क्या ना, ये मोहित लाया था अपने लिए, तो मोहित की छोटी आ गई टी शर्ट, तो मैंने कहा कोई ना मेरे आ जाएगी अभी होली में पहनी है। नहीं वैसे जो हमने पहनी थी, पहन के होली खेली थी ना, तो वो वाली होली में तो हमने क्या बोलते हैं टी शर्ट अभी मैंने वॉश की है तो सारी टी शर्ट साफ़ हो गई है सारे, तो कलर इजीली निकल गया सब कपड़ों से। और नॉर्मली गर्म पानी से मैंने कपड़े धोए बस, सारा फ्रंट गर्म पानी सारा कलर साफ हो गया। भाई कैसी लगी आपको मेरी नंदी की शॉपिंग कमेंट में ज़रूर बताना। कैसी लगी आपको बेडशीट, बेसपोश, सिद्धार्थ की ड्रेस, आई होप की पसंद आई होगी, है ना। ठीक है, उनकी चॉइस भी अच्छी है। अब हम दोनों एक दूसरे की चॉइस का कपड़े लेते भी हैं और पहनते भी हैं। उन्हें मेरी चॉइस पसंद आती है, मुझे उनकी चॉइस पसंद आती है। उन्हें कुछ लेना होता है तो मुझे फ़ोन कर पूछती हैं पहले कि कलर देखो कैसा लग रहा है, ये लू ना लू, तो जब मुझे पसंद आ गई तो समझो उन्हें भी पसंद आ जाती है। और काफ़ी टाइम से गाइस एक फेसबुक में कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने ये जो वाला रूम लिया है ये रेंट पे है या आपका पर्सनल यूज़ के लिए, जब लिया था तब भी मैसेजेस आ रहे थे। सो मैंने कहा प्रॉपर एक ब्लॉग बना दूँगी आपको, तो कोई नहीं मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये वाला जो रूम है रेंट पे है, उधर वाला जो है वो हमारा पर्सनल है, अपना है, ख़रीदा हुआ है। और ये वाला जो है ये वाला रूम पे शर्मा जी ने रेंट पे लिया हुआ है इसका, तो इसका रेंट जो है वो भी 4000 है। 4000 में हमारा टू रूम सेट है, लेट बाथ है एंड बालकनी है। सो ये है इसका रेंट 4000 जाता है। ये शर्मा जी ने अपना लिया हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए। और गेस्ट अंदर हमारा पर्सनल बेडरूम है, और क्या बोलते हैं गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बाहर वाले रूम में यही एडजस्ट हो जाते हैं। बाहर सुला लो अंदर सुला लो, खैर उनको कोई बात नहीं, है ना। अब अच्छा नहीं लगेगा हम लोग बेड पर सो रहे हैं, गेस्ट नीचे सो रहे हैं। अब हमारे गेस्ट तो ऐसे हैं कि नहीं भाई भाभी आप ही के बगल में गद्दा डाल के सोएंगे, ऐसे सोए भी हैं। अब गेस्ट को हमने अंदर सुलाया ना तो उन्होंने वो मतलब नहीं भाभी तो इनसे भैया हम तो बाहर ही सोएंगे, हम तो यही सोएंगे आपके साथ। तो गाइस रियली यहाँ गद्दा डाल के ना यहाँ सोए हैं, मैं मेरे हस्बैंड और सिद्धार्थ यहाँ सोए हैं इधर को, और वो इधर गद्दा डाल के, मोहित भी सचिन जी भी सब यहीं गद्दा डाल के सो गए थे। तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, मान सम्मान। अभी मन लगना भी बोल सकते हैं भाई, कोई हमें कितना सम्मान दे रहा है कि भाई भाभी नीचे सो रहे हैं और हम ऊपर सो रहे हैं, वो चीज़ भी हो जाती है। सो अच्छा लगा देख के। तो बस यही था, ये वाला रूम जो हमारा है ये रेंटेड है, वो वाला हमारा अपना है, ये हमने रेंट पे लिया हुआ है। क्योंकि भाई दो कमरों में देखो वो क्या है कि दो कमरे हैं तो दो कमरों में गुजारा नहीं होता, फैमिली बड़ी है, आना जाना सब चीज़ देखना पड़ता है, इसलिए ये वाला हमने सामने का ही है, दोनों आमने सामने, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बस मेरी अलमीरा बेड इधर है, पापा का अलमीरा बेड, सिद्धार्थ की अलमीरा, मेरे पापा की अलमीरा, सबकी उधर ही है, किचन हमारा उधर ही है, इधर किचन है सामने। तो इसका हमने स्टोर बनाया हुआ है, आलतू फालतू जो भी सामान है वो हम यहाँ रख देते हैं यूज़ के लिए। जैसे आप देख लो पीछे जिम साइकिलिंग है, इधर डंबल रखे हैं, तो डंबल वगैरह वापस यहाँ लगाऊंगी मैं, क्योंकि गेस्ट आए थे तो मैंने उठा के रख दिए थे सारे। मैंने कहा बच्चे बच्चे हमारे पैर वैर में लग जाएँ, भीड़ भाड़ में हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने सब अंदर पैक कर दिया था। तो बस यही कहना था, बाकी बने रहिए ब्लॉग में, करेंगे शाम को ब्लॉग का एंड। गाइस यहाँ पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़े मैं बैटर। ओ ले बोल दो चल ले, अभी चले पापा जी, अभी चला थोड़ी कोले, बस थोड़ी कोले, थोड़ी कोले, थोड़ी कोले, मैं मंदिर का है सर के लिए काम करके। मैं दिन में क्या शाम को मैं काम करके सो गई थी क्योंकि थकान बहुत हो गई थी, कपड़े धोते धोते घर का काम करते करते, आराम भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं दिन में करी मैंने कड़ी की तैयारी, और यहाँ बन रही बना दी मैंने कड़ी, ये देखो बस कड़ी वगैरह तैयार कर दी थी। उसके बाद मैंने अभी आके पकौड़े वगैरह बना दिए हैं, तेल वगैरह अब बना रही पापा की रोटी, 8 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, बना दी मैंने कड़ी, इधर बन रहे हैं चावल, और इधर मैंने तैयार किया आलू गाजर की सब्जी, देखो ये बना दी है। अब बना रही हूँ रोटी गर्मा गर्म, पापा को खिलाती हूँ, आटा वाटा मैंने इधर गूंद के रख दिया है, फटाफट तवा चढ़ाते हैं रोटी बनाते हैं। इधर बना रही हूँ मैं रोटी,
खाना तैयार हो गया, उस पापा को खाना लगाऊंगी। आप अपना टाइम से बना लो, खा लो, फिर यही अपना लेट हो या काम निपटा लो, कुछ एक्स्ट्रा हो तो सही रहता है। तो हमारे यहाँ क्या 8:30 बजे तक खाना हम लोग खा लेते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। 8 बजे का टाइम पापा का है, 8:30 का टाइम हम लोगों का है। तो रोटी बन गई है, फटाफट गर्मा गर्म पापा को देती हूँ बना के। तो 4 काम एक साथ करती हूँ तो जल्दी जल्दी। खाना खा के सोने के लिए सो थक गए आज बहुत बहुत बहुत। पहले त्योहारों की थकान, फिर त्योहारों के बाद के काम की थकान, फिर मेहमान के जाने के बाद की थकान, है नी? हाँ नहीं, तुम्हें थोड़ी ना आती है, तुम्हें तो खेलना कूदना दिखता है बच्चों का ना, है ना? तो ये तो बोल दो मैं पास हो गया सबको। बोलो मैं गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या जीत गया? मैं फेल हो गया गाइस। मैं फेल हो गया गाइस। तो सीनियर केजी में कैसे जा रहे हो आप? अब तो इंदू मैम भी नहीं आती क्लास टीचर, अब तो मैम चेंज हो गई। इंदू मैम की क्लास में रहना है? इंदू मैम की क्लास में? अब इंदू मैम तो आई नहीं, स्कूल में तो है लेकिन आपकी क्लास में नहीं रहेगी। आपकी क्लास में पूजा मैम है। सिद्धार्थ की न्यू मैम का नाम है पूजा मैम, ठीक है? व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम? पूजा मैम। ओके बोलो पूजा मैम। पहले पकड़ी पलट आओ बोलो पहले बोलो दूसरे वाले में एडमिशन कराना है। हाँ। देख लो दूसरे वाले में एडमिशन करा मुझे। मम्मी ऐसा करो मेरा ट्यूशन लगा दो और स्कूल से नाम मत हटाओ मेरा। फिर अब कह रहा है दूसरे वाले में एडमिशन करवा दो। वही होता है क्या होता है? वही होता है, वही होता है ट्यूशन, वही होता है। हाँ। अच्छा ट्यूशन अलग होता है, स्कूल अलग होता है। तो गाइस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ज्यादा ज्यादा चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय।